आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर, क्वेश्चन नंबर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन आपके सामने कहा गया है, क्वेश्चन मिला लीजिएगा। रहीम प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस, ठीक है। रहीम प्रिपेयर, रहीम का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके दिया गया है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट दुकान से संबंधित है, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप कभी फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे तो बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तब भी ध्यान दे दीजिएगा। प्रॉफिट लॉस दिया गया है, प्रॉफिट लॉस में सैलरी एंड वेजेज, रेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, गिफ्ट टू रिलेटिव, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेब्ट रिजर्व, ऑडिट फीस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब क्रेडिट में देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, केवल आपको इतना दिया है। तो आपको हम स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे, अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, अपनी कॉपी में लिख लीजिए हमारे साथ में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर, ठीक है। इनकम फ्रॉम, ठीक है, बिजनेस, वैसे बिजनेस ही है हमारा, एंड प्रोफेशन। उसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष आपको लिख देना है। आपको बताना चाहते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, ध्यान दीजिएगा जो मैं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आप पकड़ लेंगे यहां पर नेट प्रॉफिट। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है 4,23,000। इसका, इस क्वेश्चन में रूल्स लगेगा, एड डिस अलाउड एक्सपेंसेस, क्या रूल लगेगा, डिस अलाउड एक्सपेंसेस। आपको मैंने इसके पहले बताया है अच्छे से, आप प्रॉफिट लॉस के डेबिट में देख लीजिए, ऐसा कोई खर्च, ऐसा कोई एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में लिख दिया गया है जो बिजनेस का नहीं है ना, घर का, मैंने बताया डिसअलाउड का मतलब अस्वीकृत बोला जाता है, अस्वीकृत का मतलब होता है ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो बिजनेस का ना हो और उसे पीएल के डेबिट में लिख दिया गया हो। तो आपको बताना चाहते हैं, जैसे दिया गया है सैलरी एंड वेजेज, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ना, बिजनेस का होता है कि नहीं होता। भाई हमारा बिजनेस है, दुकान है हमारी, हम अपने आप को मान रहे हैं, आप अपने आप को मान लीजिए, दुकान है तो वहां पर सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, भाई कर्मचारी रखे हैं सैलरी देंगे, वर्कर रखे हैं तो वेजेज देंगे, इफेक्ट है, एक खर्चा क्या है, इफेक्ट है, पहली बात लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो लिखा जाएगा, जो स्वीकृत है, जो अलाउड है, उससे कोई मतलब नहीं रखना, वो तो लिखा जाएगा, जो नहीं स्वीकृत है उससे मतलब रखना है आपको। दूसरे नंबर पर रेंट, अगर आपके पास या किसी व्यक्ति के पास दुकान है तो वहां पर रेंट देगा, स्वीकृत है कि नहीं है। हाउस होल्ड 1,64,000 रुपया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अच्छा बताओ हाउस होल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, घरेलू व्यय ना, गृह व्यय, घरेलू व्यय।
आप घरे पर खर्चा किए हैं उसको बिजनेस में दिखा दे रहे हैं, तो बिजनेस में दिखाना गलत है। अगर बिजनेस में दिखाना गलत है, यानी कि अगर बिजनेस के खर्चे में दिखा दे रहे हैं, तो इनका फायदा कम हो जा रहा है, फायदा कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम इनको देना पड़ेगा, लेकिन तो गलत है ना, डिस अलाउड है। मैंने बताया था इसके पहले आपको, गृह व्यय घरेलू व्यय क्या होता है, डिस अलाउड होता है। डिस अलाउड को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। अभी इतना ऐड वाले में रखिए बस, ठीक है। अब बात आती है इनकम टैक्स, समझिए हमारी बात। आप बहुत सारे स्टूडेंट इनकम टैक्स में गलती कर जाएंगे। इनकम टैक्स जो होता है वो किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। भाई हमारी इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा, दुकान वाली इनकम पर, दुकान पे, दुकान जो होती है दुकान पे सेल्स टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, समझ रहे हैं। तो इनकम टैक्स व्यक्ति पर लगता है, इसलिए इनकम टैक्स भी मैंने आपको बताया है डिस अलाउड है। ना बताया हो ना याद हो तो याद कर लीजिए, पीएल के डेबिट में अगर इनकम टैक्स लिखा जा रहा है तो इनकम टैक्स की नजरिए से, इनकम टैक्स के नियम से पीएल में नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी व्यक्ति पर लगता है। अगर आप इनकम टैक्स की शुरुआती डिफिनेशन पढ़ेंगे तो व्यक्ति की कुल आय पर लगता है, और जीएसटी लगता है बिजनेस पे, सेल टैक्स लगता है बिजनेस पे, बैट लगता है बिजनेस पे, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लीजिए इनकम टैक्स, कितना भैया इनकम टैक्स है, 1800 रुपया। अगला है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। विज्ञापन भाई बिजनेस से, बिजनेस में विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन मतलब कि जो अलाउड है उससे कोई मतलब नहीं रखना है, उसको आपको छोड़ देना है, सही है कि नहीं। पोस्टेज एक्सपेंसेस, बिजनेस में पोस्टेज भी काम होता है, इसको भी आपको छोड़ देना है। अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने रिलेटिव को गिफ्ट दिए हुए हैं। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। भाई हमारा बिजनेस है, बिजनेस अलग होता है, रिश्तेदारी अलग होता है। कहा नहीं गया है, व्यवहार हमसे है, रिश्तेदारी हमसे है, बिजनेस से थोड़ी ना है। तो क्या लिखा जाएगा, गिफ्ट टू रिलेटिव। डिस अलाउड है, समझ रहे हो, डिस अलाउड मतलब व्यवसाय में अगर दिखाया गया है तो वो भी गलत किया गया है। अगला है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। आप समझिएगा एक एक पॉइंट को, भाई हमारी दुकान है, दुकान का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, तो बिजनेस का खर्च माना जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है जीव जंतु पर। जैसे हम जीव हैं, हम प्रीमियम जो कराए हैं, हम साल भर में जो बीमा भरते हैं वो व्यक्ति का बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब। यानी कि फायर वाला तो लिखा जाएगा, अब आते हैं लाइफ पे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब होता है गाय है, भैंस है, बकरी है, ये पे कौन बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। और मनुष्य तो मेन है ना, मनुष्य क्या है, मेन है। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है व्यक्तिगत है। प्रीमियम किसे बोला जाता है, जो साल भर की किस्त होती है उसे प्रीमियम बोला जाता है, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे, एल आई पी क्या है, डिस अलाउड है। कितना, 842 है। फायर इंश्योरेंस दिखाया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिखाया जाएगा, समझ में आया। लाइफ इंश्योरेंस पीएल के डेबिट में नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का है, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे कहा गया बैड डेप्ट रिजर्व। आप समझिएगा बैड डेप्ट रिजर्व का मतलब क्या होता है। देखो भैया, सही सही पैसा डूब जाए, अगर सही सही पैसा डूब जाए तो क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट। रिजर्व का मतलब डूबा नहीं है, व्यवस्था की है, कौनो डूब, कौनो लेकर भागेगा तो उसको इसी में समेट दिया जाएगा, ठीक है। तो बैड डेप्ट रिजर्व क्या होता है, बैड डेप्ट रिजर्व होता है 1600 रुपया, समझ रहे हैं। बैड डेप्ट होगा तो पीएल के डेबिट में दिखा सकते हैं रिजर्व। रिजर्व का मतलब पता नहीं डूबे कि ना डूबे, तो नहीं दिखा सकते हैं, इसको आपको लिख लेना है। आगे आपको बताना चाहते हैं ऑडिट फी बिजनेस में दिखाई जाती है कि नहीं दिखाई जाती है। ऑडिट फी बिजनेस का खर्च माना जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो जो डिसअलाउड था उसको क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। पेपर में जब आपसे पूछ ले डिसअलाउड एक्सपेंडिचर के बारे में,
डिसअलाउड खर्चों के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ पीछे ना पड़े हो तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। हाउस होल्ड इनकम टैक्स, गिफ्ट टू रिलेटिव, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेट रिजर्व, क्या है? डिसअलाउड है। तो भैया ये सब जोड़ जाड़ लीजिए, 1,64,000 में 1800, 1800, 4200, 1600 जोड़ेंगे 1,73,400 आएगा। कितना आएगा? 1,73,400 आपका अंक आएगा। इतना सबसे पहले आपको लिखना है, 1,04,23,000 में इतना ये सब जोड़ लीजिए 1,00,000, ठीक है? हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, जोड़ लीजिए। अब आप जोड़ लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 5,95,400, 5,96,400। आपको बताना चाहते हैं आगे, आगे आप क्या करेंगे? आगे लेस किया जाएगा। क्या भाई? कुछ जोड़ा जाएगा तो कुछ घटाया भी जाएगा। डिसअलाउड इनकम, ऐसी इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन से नहीं हुई है, लेकिन ऐसी इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन से नहीं हुई है लेकिन पीएल के क्रेडिट में दिखा दी गई है। अब आप समझिए बिजनेस की इनकम क्या होती है। बिजनेस की इनकम होती है क्रेडिट में दिखाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ना, इंटरेस्ट रिसीव दिखाया जाता है, कमीशन रिसीव दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाया जाता है, सारी चीज दिखाई जाती है। लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं? देखो, 550 रुपया गिफ्ट रिलेटिव, रिश्तेदार से गिफ्ट पाए हैं उसको दिखा रहे हैं। बिजनेस की इनकम थोड़ी ना होगी, रिश्तेदारी गए हो, विदाई पा गए अगर आप 550 रुपया, तो बिजनेस की इनकम थोड़ी है। तो उसको 550 रुपया आपको क्या कर लेना है? माइनस कर देना है। लेस करेंगे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, 550 रुपया माइनस कर लेंगे। आपका जो आंसर आएगा 5,95,850। देखिए माइनस करके बता देते हैं, माइनस किया 5,95,850, 5,95,850 इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यह क्वेश्चन समाप्त होता है। सबसे नीचे इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा गया है, ए इनकम फ्रॉम बिजनेस आपका हो गया, इसको लिख लेने का कष्ट करें। क्वेश्चन की नंबरिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है, मान लीजिए आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको टॉपिक पर ध्यान देना है। कहता है गिवन विलो इज द प्रॉफिट लॉस मर्चेंट फॉर द एंडिंग ईयर, फायदा और घाटा दिया गया है, सब कुछ दिया गया जो भी होगा। ओपनिंग स्टॉक आपके सामने प्रॉफिट लॉस बना करके दिया है, देखते चलिए। परचेज, वेजेज, ऑडिट फी, रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी, जर्नल चार्ज, कमीशन फॉर राइजिंग लोन, बैड डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टॉक वेलफेयर फंड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन अलाउड, नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में आप देखेंगे सेल दिया है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपको बताया एकदम स्पष्ट तौर पर, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद बताना चाहते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर ऐसे डाल लीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई है, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस दिया होगा तो किसको पकड़ना है हमें? नेट प्रॉफिट को पकड़िए, क्वेश्चन में देखते चलिए सबसे पहले किसको पकड़ेंगे हम? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया है कितने रुपए का? 3,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट दिया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इसमें ऐड किया जाएगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड ना हो, डिसअलाउड हो, अस्वीकृत हो। तो पीएल के डेबिट में देखिए ऐसा कौन सा है जो अस्वीकृत हो। ओपनिंग स्टॉक पीएल में दिखाया जाता है, चाहे ट्रेडिंग में मानिए चाहे पीएल में मानिए दिखाया जाता है,
क्वेश्चन में देखते चलिए, परचेज दिखाया जाता है, वेजेज दिखाया जाता है, ऑडिट फी दिखाई जाती है, रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी। देखो इसके पहले हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग कहाँ दिखा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग दिखा रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन में। ये तो सरासर अन्याय है ना, तो इसका मतलब इट डिस अलाउड है। रिपेयर ब्रेकेट में लिख दो HP, हाउस प्रॉपर्टी के रुपए की रिपेयर है, 4,00,000 रुपए का रिपेयर है। उसके बाद दिया गया जर्नल चार्ज दिखाया जाता है, कमीशन राइजिंग लोन दिखाया जाता है, बैड डेप्ट। देखो यही होता बैड डेप्ट रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट तो ना दिखाते, मतलब कि डिसअलाउड होता। बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट का मतलब दो वास्तव में डूब गया पैसा, ये दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है, PL के डेबिट में, जो नहीं दिखाया जाना चाहिए उसको हम यहाँ जोड़ेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिए कोई इनकम टैक्स का नियम कहता है आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, एक तरफ फायदा कमाएंगे एक तरफ ब्याज पे लोनों लेंगे, मतलब कि लोन पर ब्याज भी लेंगे, अपना अपनी पूंजी पर ब्याज भी लेंगे, नहीं होता ऐसा। हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, एक तरफ फायदा कमाएं और एक तरफ ब्याजों लें। तो नियम होता है इनकम टैक्स का, ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्वीकृत नहीं है, डिसअलाउड है, याद रखना। आप खुद अपने दिमाग से लगाइए, आपके पास पैसा हो मान लीजिए 10,00,000, आप बिजनेस करें, बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं आप, फायदा कमाने के लिए कि ब्याज कमाने के लिए, ब्याज कमाने के लिए कर रहे हैं तो आप पैसा अपना रखिए बैंक में, पैसा अपना किसी को लोन दीजिए, सही है नहीं, वहां से ब्याज कमाइए। तो डिसअलाउड होता है, कुल मिलाकर समझे रहना बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मामला है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टॉप वेलफेयर फंड 5,000 रुपया, पहले सरकार को टैक्स दीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन स्टॉप वेलफेयर फंड, स्टॉप वेलफेयर फंड मतलब कल्याण पर, श्रमिकों के कल्याण पर, पहले टैक्स दो उसके बाद कल्याण करो, सरकार ने रोका नहीं है किसी को। उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मैंने आपको क्या बताया, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो, दोनों डिसअलाउड होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना 21,000 डिसअलाउड होता है। डिप्रिसिएशन अलाउड लिखा ही है, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, जो जो डिसअलाउड है उसको हम पकड़ेंगे, उसको जब पकड़ा गया उसको जब ऐड किया जाएगा तो जोड़ लीजिए 21,533,000 आएगा सब मिला करके ना, 33,000 जोड़ लीजिए भैया, 333,000। आपको बताना चाहते हैं लेस कर दो, लेस का मतलब घटा दो, घटा देंगे क्या घटाएंगे, अब क्रेडिट देखो, PL का क्रेडिट में देख लीजिए, PL के क्रेडिट में देखो दिया गया है सेल, भैया PL के क्रेडिट में सेल दिखाया जाता है, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट, PL के ट्रेडिंग, PL के बनाए हैं इसमें। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट मिला हुआ है इसको, हाउस प्रॉपर्टी में उसका कैलकुलेशन होगा, यहाँ थोड़ी ना होगा, तो इसका मतलब यहाँ की इनकम नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी कितना 30,000 रुपये की। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है, कहने का मतलब है ऐसी कोई इनकम जो डिसअलाउड हो PL के डेबिट में लिख दी गई हो उसको जोड़ लेते हैं, ऐसी कोई ऐसा कोई खर्चा, ऐसी कोई इनकम जो PL के क्रेडिट में हो उसको लिख लेते हैं, अगर उसको माइनस कर देते हैं तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा कितना 3,03,000 रुपया। इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है बिजनेस इनकम। ए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समाप्त होता है, अपनी कॉपी में लिख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने जा रहे हैं। मैंने एक बार फिर बता देता हूं कि नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन कहता है मिस्टर रहीम प्रिपेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्लॉथ की शॉप है भैया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना करके दिया गया है, पढ़ लेते हैं आराम से कोई दिक्कत ना हो। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी एंड वेजेज, रेंट, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स,
एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज एक्सपेंसेस, गिफ्ट टू रिलेटिव, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बैड डेप्ट रिजर्व, ऑडिट फी। उसके बाद आप क्रेडिट में आइए, नेट प्रॉफिट दिया ही है। क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव। तो कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, आपको ध्यान देना है क्या करेंगे हम। सबसे पहला कार्य करिए, नेट प्रॉफिट पकड़ लीजिए। क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको बताना चाहते हैं 211,500। इतना आपको जानकारी होगी, इतना आपके समझ में आ जाएगा। पहले नेट प्रॉफिट पकड़िए। नेट प्रॉफिट के बाद मैंने आपको क्या बताया है, बताया है इसमें ऐड करिए डिस अलाउड एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जो डिस अलाउड हो, डिस अलाउड का मतलब पीएल के डेबिट में नहीं दिखाना चाहिए, तब भी दिखा दिया गया है तो उसको जोड़ लिया जाएगा। सैलरी एंड वेजेज दिखाया जाता है, रेंट दिखाया जाता है, क्या नहीं दिखाया जाता, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। क्या नहीं दिखाया जाता भैया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कितना है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 72,000 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसको जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, पोस्टेज दिखाया जाता है, गिफ्ट टू रिलेटिव। गिफ्ट बिजनेस का खर्चा है, गिफ्ट बताइए, गिफ्ट टू रिलेटिव नहीं दिखाया जाता है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा नहीं है। कितना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, 5100। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स भूल चुके हैं, इनकम टैक्स भी दिखा देते हैं। गिफ्ट टू रिलेटिव कितना है, 900। इनकम टैक्स ऊपर है, इनकम टैक्स भी। अच्छा, यही सेम क्वेश्चन अभी पीछे हमने बताया है, सेम है, अमाउंट बदला है, बस सेम वही रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, एपीएल के डेबिट में नहीं दिखाया जाने चाहिए, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर को ऐड कर लिया जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा दिया गया है। उसके बाद देखो बैड डेप्ट रिजर्व, बैड डेप्ट रिजर्व, बैड डेप्ट रिजर्व कितने रुपए का भैया, 800। ये क्या है, ये सब डिसअलाउड है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा, और पेपर में जो थ्योरी पूछेगा ना, तो पूछेगा बिजनेस, मतलब कि अस्वीकृत बिजनेस प्रोफेशन में, व्यापार में अस्वीकृत व्यय क्या होते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, समझ रहे हैं। इन सबको ऐड कर लीजिए, 7200 दो बार हुए, 5100 और 800, 79,700, इसको जोड़ लीजिए। इसको जब आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 291,200। ठीक है, अब लेस क्या किया जाता है, लेस के लिए आपको बताना चाहते हैं इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल डिसेड। हेडिंग डाल सकते हैं हम, इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल दिस हेड। ध्यान दियो भैया, ऐसी इनकम जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है फिर भी क्रेडिट में दिखाई गई है। देखो रिलेशन, 275 रुपया गिफ्ट टू रिलेटिव, 275 रुपया गिफ्ट टू रिलेटिव। ध्यान दीजिएगा, गिफ्ट टू रिलेटिव कितना, 275 रुपया आपको माइनस कर देना है। माइनस कर देंगे 290,925, 290,925, ये आपका आ जाएगा। सबसे नीचे देख लीजिए, मैंने लिखा 290,925, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यहाँ लिख लीजिए बिजनेस इनकम। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा क्या, बिजनेस इनकम, इसको आपको ध्यान देना है, आपको लिख लेना है बिजनेस इनकम। आपको ध्यान देना है, इसे बोला जाता है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। मैं बार बार बता रहा हूं,
जितने क्वेश्चन बताऊंगा सब वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा, ये भी समझ में आएगा आपको। सबसे पहले नेट प्रॉफिट पकड़ लेना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर क्या कर लेना है, डिसअलाउड एक्सपेंस को जोड़ देना है, ऐसी इनकम जो इस हेड की नहीं है फिर भी क्रेडिट में दिखा दी गई, समझ रहे हैं। तो लास्ट में क्या लिखा है, 290,925। यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है, आगे।